दिल्ली में एक महिला जिम ट्रेनर को उसके ही दोस्त ने मौत के घाट उतार दिया। शुरुआती जांच जो हुई है उसमें मामले में प्रेम प्रसंग का मामला समझ में आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 23 में एक महिला जिम ट्रेनर को उसी के दोस्त ने जान से मार दिया। हत्या की वजह को लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग के बीच मनमुटाव हत्या की वजह बताई जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि महिला जिम ट्रेनर का दोस्त उसके घर आया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी ने महिला पर कई वार किए। महिला के चिल्लाने की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी और तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पड़ोसन में बताया तब को मार दिया लड़की को, तो तुरंत एकदम यहाँ से हम 5-7 बच्चे ऊपर एकदम चले, तो उसको अंदर बंद किया कमरे में बाहर। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ कर रही है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर महिला पर हमले की असली वजह क्या है। मौसम विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गोवा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। उत्तर प्रदेश में भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। राजधानी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की वजह से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। जम्मू कश्मीर में रियासी के पौनी इलाके में 3 संदिग्धों को देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ा तलाशी अभियान चला दिया है। एक महिला ने 2 संदिग्धों को बैग के साथ एक घर में जाते हुए देखा। इसकी तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की। उच्च अधिकारी मौके पर आए और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की जाँच की जा रही है। एजेंसी हालात पर नजर बनाए हुए है। पटियाला हाउस कोर्ट आज ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग यौन शोषण के मामले में अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली पुलिस की दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट पर भी कोर्ट अपना फैसला देगा, यानी कि कोर्ट को यह तय करना होगा कि इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा या नहीं। दिल्ली पुलिस ने सबूतों की कमी और पीड़ित के कोर्ट में दिए बयान का हवाला देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। आज का फैसला यह तय करेगा कि ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों को कानूनी रूप से खारिज कर दिया जाएगा, मामले की आगे की जांच की जाएगी या नहीं। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के तहत देशवासियों से संवाद करेंगे। आज मन की बात की 112वीं कड़ी है। पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद यह दूसरा एपिसोड रहेगा, जिसमें वो अपने विचारों को साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नियमित रूप से लोगों के मुद्दों पर, उनके विचारों पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ये कार्यक्रम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री के संवाद का इंतजार हर महीने लाखों लोग किया करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी पर तमिलनाडु और दूसरे राज्यों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। एमके स्टालिन ने कहा बीजेपी सरकार राज्यों के टैक्स अधिकारों को कमजोर कर रही है और जीएसटी मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। स्टालिन ने बजट को बदले का बजट करार दिया। वहीं तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एमके स्टालिन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को केंद्रीय योजनाओं के तहत पर्याप्त धनराशि दी है।